बहुत बढ़िया है। ये तो ऑडियंस को पूछना चाहिए हम लोगों को कैसा लग रहा है। नहीं, बट पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग का होता है ना कि जब हम खुद को स्क्रीन पे देखते हैं, आपने मेहनत की होती है, जब खुद को पूरी मूवी एडिट होके आ जाती है उसके बाद लोगों को काफी 90s वाली मूवी लग रही है। आजकल की मूवी थोड़ी डिफरेंट होती है और ये मूवी बहुत ज्यादा अलग लग रही है। कुछ स्टोरी रही स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग बहुत डिफरेंट है। नाम बहुत ही हैवी एंड बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू आजकल के नाम से, सो दैट्स द रीजन पीपल आर रेटिंग इट टू 90s। आल्सो बिकॉज़ आई फील लाइक अजय सर दबू मैम है एंड दैट रोमांस है एंड फुल लव स्टोरी है, इंटेंस लव स्टोरी, सो आई थिंक दोज आर द फैक्टर्स व्हिच पीपल आर रिलेटिंग टू 90s एंड दे आर मिसिंग, यू नो, कि आजकल ऐसा बनता नहीं है, कुछ बन नहीं रहा है। हाँ, सो वही आई थिंक उस वजह से लोग बहुत रिलेट कर पा रहे हैं, दे आर ईगर टू यू नो एंड एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म ऑल्सो, सो दैट इज समथिंग आई थिंक वही आइडिया कि कुछ फ्रेश लेकर आए। आई थिंक दैट्स नियर सर्स आइडिया, आई एम नॉट गोना टेक दैट क्रेडिट, बट या आइडिया तो वही है। हाँ, तो आई मीन दैट्स वंडरफुल दैट that we could be part of that this project. So आपको डांस से अलग होकर मैंने एक्शन करते हुए देखा है इसमें, थोड़ा सा ट्रेलर में, तो एक्शन करते हुए कोई कहीं लगा जिसको मारा उसको तो लगा बहुत लगा? नहीं ऐसे ऑन स्क्रीन तो नहीं बोल ओह लाइक दैट ओके लगा बट आई मीन इट वाज फर्स्ट टाइम एज एन आउट एंड आउट एक्शन टाइप का कुछ कंटेंट मिला, तो इट वाज फन, आई वाज एक्साइटेड। आई मीन एक्चुअली मास्टर जी का जोश बहुत मस्त लगता है मुझे, एंड एक्शन और मार्क, सो दैट्स फन, आई मीन दैट गिव्स यू लाइक एनर्जी नेक्स्ट लेवल, बिकॉज़ हम यू नाइट में शूट कर रहे थे, सो यू नो एट टाइम्स यू कैन बी अ बिट लाइक इन आउट ऑफ योर जोन समटाइम्स, सो बट वो एक्शन जब बोलते हैं और जब सर का वो एक्शन सर का जो आता था वो कमांड, सुपर फन, आई हैड अ ग्रेट टाइम लाइक यू नो परफॉर्मिंग दोज एक्शन सीक्वेंसेस, बिकॉज़ सर ने भी टाइम दिया, नियर सर ने भी टाइम दिया इन टर्म्स ऑफ कि इट्स ओके, यू नो यू नीड टू रिहर्स प्रॉपर्ली, बिकॉज़ सब सर का भी फॉर्मेट आते तो वन शॉट ही लेते हैं ना सर, सो वैसा है कि यू हैव टू बी ऑन योर टोज एंड यू हैव टू डिलीवर इन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग, सो या सुपर फन। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बिहाइंड द सीन शांतनु के साथ? शांतनु के साथ बहुत मजा आ रहा, मैंने की कान चबा लिए पूरे बात कर करके। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं पर बहुत मजा आया, आई फील लाइक सिंस डे वन इट वाज वेरी कंफर्टेबल, ही वाज वेरी काइंड, वेरी स्वीट, एंड देयर वाज नो ऑकवर्डनेस, देयर वाज नो आइस ब्रेकिंग, इट जस्ट हैपेंड वेरी नेचुरली एंड इट वाज अ लॉट ऑफ फन। जब अजय देवगन सेट पे आते थे कुछ आप लोग ने मतलब आपको ऐसे बोलते थे यार ये मत करो, मतलब ये स्ट्रिप और समथिंग? नॉट रियली एक्चुअली, मतलब मोर देन दैट आई थिंक जब नीरज सर सेट पे होते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक माहौल एक शांत सा हो जाता है, लाइक एवरीवन इज दे नो दे हैव टू डू देयर जॉब एंड लाइक एक ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट आती है, ऐसा कुछ नहीं, एवरीवन इज इन देयर जोन एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, एवरीवन इज डूइंग व्हाट दे नीड टू डू एंड डूइंग इट वेल। हां, तो आप लोग जो केमिस्ट्री इसमें दिखा रहे हैं दैट इज समथिंग एल्स, मतलब आपकी तो शादी नहीं, आप जब बड़ी हो गई आपकी शादी किसी और के साथ हो गई है, उसमें ऐसा दिखाया है। शादी नहीं हुई है मूवी यस, तो वो मतलब यू नो वो पार्ट जो रह गया है जो लोगों को सस्पेंस में छोड़ गया है, क्या लगता है आप लोगों को सस्पेंस लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाता है? सस्पेंस है जहाँ पे हम ट्रेलर देख रहे थे वो सस्पेंस ही रह गया है ना कि यार कुछ तो अलग हो गया है लास्ट में, शादी तो हुई नहीं, लड़का इतना दीवाना है इस लड़की के पीछे में शादी नहीं हुई है। ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं मैं तो ये बोल रहा था कि वो पेशेंस सिखाते, क्यों पता है 5 तारीख को आओ देखो आपको पता लगेगा कि क्या है एग्जैक्टली स्टोरी, कॉपी पेस्ट डिटो। उसमें गाने भी बहुत रहे, आप लोगों ने डांस भी किया है, वो एक होली वाला सीन है वहाँ पे डांसिंग, बट वहाँ पे दो सीन दिखाए, एक में आप दिख रहे हो, फिर सेकंड सीन में अजय देवगन है,
तो वो जब आप सही भी है हाँ. हाँ. जहाँ पे मतलब मैंने आपकी एंट्री जो देखी हाँ, जो वो डायलॉग है जहाँ आपकी एंट्री है ठीक है तो वो हम यू नो वो डांस वाला पार्ट होता है यू आर ए डांसर यू नो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. आई हैव सीन यू डूइंग यू नो ज्यादा स्टेप्स आप बहुत करते हो कहीं भी आप अभी भी खड़े थे तो यू स्टार्ट डूइंग डांस सब सेट पे कभी हुआ है और फिटनेस अरे सब कुछ बोल रहे हो और यू स्टार्ट डांसिंग नहीं नहीं वैसे पागल नहीं हूं मेरे को बॉडी कंट्रोल में बॉडी मेरे कंट्रोल में ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा नर्व डिफेक्ट है मुझे अचानक से मैं कुछ बट आई मीन बहुत ज्यादा डांस डांस मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ मतलब लाइक बट ऐसा हाउ डू आई से इट लाइक ऐसा कुछ मेजर डांस डांस सीक्वेंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट बिकॉज इट्स वेरी सॉन्ग्स आर मोर फोकस्ड ऑन द लव स्टोरी या या सो दे आर ट्रैक मूवर्स एक्चुअली दे आर नॉट जस्ट आउटराइड ऐसा एक अलग से सॉन्ग हमने बना दिए दे हैव मीनिंग टू इट अगर आप देखोगे तो अगर आप गौर करोगे तो सारे गाने जो अभी दो रिलीज हुए हैं उसके लिरिक्स इफ यू हियर देम एंड यू नो एंड रीड अबाउट इट सो वो डेप्थ है सो दैट इज द रीजन लाइक द सॉन्ग्स हैव अ पर्पस टू व्हाट दे आर गिविंग टू द स्टोरी मैंने आपको अलग अलग मूवीज में देखा है और दिस इज डिफरेंट आपके यू नो एक्टिंग से लग रहा है दिस इज ऑल डिफरेंट तो जब आपने सलमान खान के साथ दबंग 3 की इट वॉज ऑल डिफरेंट और वो कुछ रोमांटिक वो भी कहीं ना कहीं रोमांटिक था पर जो सैड पार्ट था उसमें थोड़ा सैड ज्यादा सैड था ये कहने से थोड़ा सैड था मूवी लाइक थोड़ा सैड था गिर जाता है बहुत सैड बट दैट्स अ मूवी राइट तो इतना दिल पे नहीं ले सकते उस चीज को ये मूवी थोड़ी डिफरेंट है यू आर डूइंग टब्बू का रोल मतलब छोटी टब्बू तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है जब टब्बू मैम आती है पर्सनली ऑन सेट तो आप कुछ बातें होती है आप लोग के बीच में आई मीन टब्बू मैम बहुत ही वार्म है बहुत ही काइंड है एंड आई रिमेम्बर कि शूट से पहले नीरज सर ने मुझे बुलाया था कुछ टब्बू मैम मेरे लाइन्स पढ़ के मुझे सुना रहे थे यू नो इन हर लहजा इन हर लैंग्वेज एंड वॉज रियली नाइस एंड शी वॉज सो स्वीट एंड यू नो अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था शी वॉज हेल्पिंग मी विद इट सो I think I'm very grateful to her for, you know, going that extra mile for me. And yeah, that's it. मैं तब मैम से ज्यादा नहीं मिला मोस्टली मेट हर लाइक ड्यूरिंग द प्रमोशंस पार्ट ऑफ इट बट या शी इज वेरी स्वीट एंड हंबल आई मीन इट वाज वेरी स्वीट लाइक यू नो यू हैव ओनली सीन लाइक आई हैव ओनली सीन हर ऑन स्क्रीन सो ऑफ स्क्रीन देखने में ऐसा मैं भी थोड़ा सा वो था कि नर्वस हां 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 सो इट वाज लाइक नॉर्मली ये वैसे बैठी है गुड इन द मूवी मुझे तो कभी लगा भी था कि मैं एक्टिंग में घुसूंगा आई मीन इट जस्ट हैपेंड बाय डिफॉल्ट हो गया कैसे वाज अ डांस शो दैट आई हैड ऑडिशन फॉर एंड हार्डी थी तो वहां से कैसे हो गए एंड देन आई फाउंड माय पैशन फॉर एक्टिंग एंड दिस हैपेंड एंड फिल्म्स हैपेंड आफ्टर सो लॉन्ग बट आई एम ग्लैड इट हैपेंड आई एम हैप्पी दैट द जर्नी दैट आई हैव हैड कुछ अलग थी वो जर्नी एंड दैट्स टॉट मी एंड ट्रेन मी टू बी वेयर आई एम टुडे एंड बी एबल टू कंडक्ट माय सेल्फ इन सर्टेन मैनर आई थिंक वो एक जर्नी रही एंड आई हैव नो रिग्रेट्स एंड आई एम सो हैप्पी बट कभी सोचा नहीं था कि यहां तक कभी आ पाएंगे ऐसा कुछ करेंगे आई बिलीव जो इस मूवी में दिखाया है आप लोग का जो केमिस्ट्री मैं कभी नहीं सोचा था कि सही मांजरेकर के साथ कभी काम करने का मौका आप लोग की जो केमिस्ट्री दिखाई है इस मूवी में आई बिलीव कि आप लोग को आगे साथ में कोई लॉन्ग टर्म पिक्चर करनी चाहिए जहाँ पे आप एंड तक रहो लॉन्ग टर्म मूवी पूरी मूवी एंड तक नहीं है मतलब आप बड़े हो गए हैं ना उसमें तो अच्छा वैसे आपको करनी चाहिए आपको क्वेश्चन क्या था सॉरी आपको करनी चाहिए कोई करवाएगा आप जैसे आपने बोला आ रहे हैं इन दो सीजन से बात कैसे बात कर रहे हैं आपने बोला था कि आपको इनके साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है आपको ही इज बिहाइंड द सीन ही इज दिस काम ओनली और ये यहां पे काम है यू कैन काम टू यू राइट नाउ या रियली हेलो एनर्जेटिक एंड यू नो एंड ही इज काम आल्सो बट ही इज वेरी
energetic person, which is nice. And how she is, Anderson? She's also very energetic. आपको लगता है ऑन स्क्रीन की ऐसे बिकॉज वो रोल में आती है ऐसे बट शी इज लाइक पूरा वो उसका पूरा वर्ब वॉमिट आई वुड से कि वो पहले खत्म कर लेती है एंड देन लाइक शी गेट्स लाइक वो 10 मिनट्स का अपना रिकवरी टाइम दैट इज देयर शॉर्ट टाइम गेट माय वर्ड बैक इन या एंड देन बट शी इज वेरी स्वीट एंड वेरी काइंड आल्सो आई वुड से आप लोग ऑडियंस तक लाइक आप क्या चाहते हैं ऑडियंस तक ये मूवी से क्या मैसेज है बिलीव इन लव आई थिंक दैट लव इज यूनिवर्सल या दैट्स द वन थिंग दैट नेवर डाइज या इट हैज नो एज इट हैज नो बाउंड्री या एंड अगर शिद्दत से प्यार करो तो उसको तो और किसी से ऐसा हुआ आपको किसी ने अपनों ने धोखा दिया सही कल तूने लाइन बोली थी नहीं नहीं वो लाइन जो बोली थी कि Only the people that are close to you can hurt you because strangers don't have the authority over you to hurt you. So whenever you've been hurt in life, it's been by somebody you love. And वो याद करके नहीं वो मानती है हाँ मैं मानती हूँ sorry हाँ मतलब ऐसा लगेगा कि ये याद करके ये रट के आई ऐसा नहीं है she believes in that and yeah. she had said that so I just wanted her to say that and yeah. I also kind of resonate with yeah. what she said अगर कोई आपको आप जिससे प्यार करते हैं वही उसी का किया हुआ आपको हर्ट होता है अदरवाइज आई डोंट थिंक फर्क पड़ता है अभी प्रमोशन में इतने बिजी है तो वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है और आई थिंक वंस द release date comes close I'll be like a nervous wreck movie ka naam bahut acha hai thank you aur main kahan dam tha aur main kahan dam tha to aapko kaisa matlab you know jab hum naam sunte hain aisi movie ka 90s ka yaad aa jata hai aur main comment go through kar rahi thi aapke trailer ke baad logo ko kaafi 90s wali movie lag rahi hai aaj kal ki movie thodi different hoti hai aur ye movie bahut zyada alag lag rahi hai to story hai to kya story telling Storytelling, what different is? I mean, I think maybe naam bahut hi heavy and bahut different as compared to aajkal ke maybe yeah. naam se. So that's the reason people are relating it to 90s. Also because I feel like Ajay sir and Tabu ma'am hai and that romance yeah. hai okay. and full love story hai, intense love story. So I think those are the factors which people are relating to 90s and they are missing. You know, कि yeah. आजकल ऐसा बनता नहीं है Very कुछ बन नहीं रहा हाँ सो वही आई थिंक उस वजह से लोग बहुत रिलेट कर पा रहे हैं दे आर ईगर टू यू नो एंड एक्साइटेड टू वॉच दिस फिल्म ऑल्सो सो दैट इज समथिंग आई थिंक वही आइडिया है कि कुछ फ्रेश लेकर आए ना आई थिंक That's Neeraj sir's idea. I'm not going to take that credit. But yeah, idea I mean, हाँ so I mean that's wonderful that we could be part of that this project. So, आपको डांस से अलग होकर मैंने एक्शन करते हुए थोड़ा सा ट्रेलर में हाँ. तो एक्शन करते वक्त कहीं लगा जिसको मारा उसको तो लगा बहुत लगा? नहीं नहीं मतलब ऐसे फर्स्ट टाइम ऐसे आउट एंड आउट एक्शन टाइप का कुछ कंटेंट को मिला तो इट वाज फन आई वाज एक्साइटेड आई मीन एक्चुअली मास्टर जी का जोश बहुत मस्त लगता है एंड action or mar so that's fun I mean that gives you like energy yeah. next level because hum jo night mein shoot kar rahe the so you know at times you can be a bit like in out of your zone sometimes so but wo action jab bolte hain aur jab sir ka wo action sir ka jo aata tha wo command it was super fun I had a great time like you know performing those action sequences because सर ने भी टाइम दिया नीरज सर ने भी टाइम दिया इन टर्म्स ऑफ कि इट्स ओके यू नो यू नीड टू रिहर्स प्रॉपरली बिकॉज सब सर का भी फॉर्मेट आते तो वन शॉट ही लेते हैं ना सर सो ऐसा है कि यू हैव टू बी ऑन योर टोज एंड यू हैव टू डिलीवर इन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग सो यार सुपर फन तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बिहाइंड द सीन शांतनु के साथ बहुत मजा आया मैंने इनकी कान चबा लिए पूरे बात कर करके नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं पर बहुत मजा आया आई फील लाइक सिंस डे वन इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल ही वॉज वेरी काइंड वेरी स्वीट एंड
there was no awkwardness, there was no ice breaking. It just happened very naturally and it was a lot of fun. जो अजय देवगन सेट पे आते थे कुछ आप लोग ने मतलब वो आप ऐसे बोलते थे यार ये मत करो मतलब प्लीज ट्रिक कर सकते हैं रियली एक्चुअली मतलब मोर देन दैट आई थिंक जब नीरज सर सेट पे होते तो बाय डिफॉल्ट एक माहौल एक शांत सा हो जाता है लाइक एवरीवन इज दे नो दे हैव टू डू देयर जॉब एंड मतलब लाइक एक ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट आती है ऐसा कुछ नहीं एवरीवन इज इन देयर जोन एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट हियर एवरीवन इज डूइंग व्हाट दे नीड टू डू एंड डूइंग इट वेल हां तो आप लोग जो केमिस्ट्री इसमें दिखाया है दैट इज समथिंग एल्स यू नो मतलब आपकी तो शादी नहीं आप जब बड़ी हो गई आपकी शादी किसी और के साथ हो गई है उसमें ऐसा दिखाया है सॉरी यार मतलब मेरी शादी नहीं हुई है हाँ सॉरी सॉरी यस मतलब यू नो वो पार्ट जो रह गया है जो लोगों को सस्पेंस में छोड़ गया है क्या लगता है आप लोगों को सस्पेंस लोगों तक क्या मैसेज पहुंचा पाएगा सस्पेंस है जहाँ पे हम ट्रेलर देख रहे थे वो सस्पेंस ही रह गया है ना कि यार कुछ तो अलग हो गया है लास्ट में शादी तो हुई नहीं कि लड़का इतना दीवाना है इस लड़की के पीछे शादी नहीं हुई है यू से अगर तू गलत बोला तो तू नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं 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 मैं तो ये बोल रहा था कि वो पेशेंस सिखाता है क्यों पता है 5 तारीख को आओ देखो आपको पता लगेगा कि क्या है एग्जैक्टली स्टोरी कॉपी पेस्ट डिटो उसमें गाने भी बहुत है आप लोगों ने डांस भी किया है वो एक होली वाला सीन है पर वहाँ पे दो सीन दिखाया है एक में आप दिख रहे हो फिर सेकंड सीन में अजय देवगन है तो वो जब आप सही भी है जहाँ पे मतलब मैंने आपकी एंट्री जो देखी है वो डायलॉग है जहाँ आपकी एंट्री है ठीक है तो वो हम यू नो वो डांस वाला पार्ट होता है यू आर ए डांसर सो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है यू आई हैव सीन यू डूइंग यू नो ज्यादा स्टेप्स अब बहुत कर दो कहीं भी आप अभी भी खड़े थे तो यू स्टार्ट डूइंग डांस ऐसा सेट पे कभी हुआ है ऑकवर्डनेस है सर कुछ बोल रहे हो और यू स्टार्ट डांसिंग नहीं नहीं मैं ऐसे पागल नहीं हूं मेरे को मेरी बॉडी कंट्रोल में है बॉडी मेरे कंट्रोल में ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा नर्व डिफेक्ट है मुझे अचानक से मैं कुछ बट आई मीन इसमें बहुत ज्यादा डांस डांस तो कुछ कह नहीं सकता हूँ मतलब लाइक बट ऐसा हाउ डू आई से इट लाइक ऐसा कुछ मेजर डांस डांस सीक्वेंस नहीं है टू बी ऑनेस्ट बिकॉज इट्स वेरी songs are more focused on the love story yeah yeah, yeah. so they are track movers actually they are not just outright aise ek alag se song humne bana diye they have meaning to it agar aap dekhoge to agar aap gaur karoge to sare gaane jo abhi do release hue hain uske lyrics if you hear them and you know and read about it so wo depth hai so that is the reason like the songs have a purpose to what मैंने आपको अलग अलग मूवीज में देखा है और दिस इज डिफरेंट आपके यू नो एक्टिंग से लग रहा है दिस इज़ ऑल डिफरेंट तो जब आपने सलमान खान के साथ अवन थ्री की इट वॉज ऑल डिफरेंट और वो कुछ रोमांटिक वो भी कहीं ना कहीं रोमांटिक था तो जो सैड पार्ट था उसमें थोड़ा सैड ज्यादा सैड था ये कैंसर थोड़ा सैड था मूवी इट्स लाइक थोड़ा सैड था लग जाता है बहुत सैड है But that's a movie, right? Yeah, yeah. So, movie थोड़ी डिफरेंट है यू आर डूइंग टब्बू का रोल मतलब छोटी टब्बू तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है जब टब्बू मैम आती है पर्सनली ऑन सेट तो आप कुछ बातें होती है आप लोग के बीच में आई मीन टब्बू मैम बहुत ही वॉर्म है बहुत ही काइंड है आई रिमेम्बर कि शूट से पहले नीरज सर ने मुझे बुलाया था तो टब्बू मैम मेरे लाइन्स पढ़ के मुझे सुना रहे थे यू नो इन हर लहजा इन हर लैंग्वेज एंड वॉज रियली नाइस एंड शी वॉज सो स्वीट एंड यू नो अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था शी वॉज हेल्पिंग मी विद इट सो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर यू नो गोइंग दैट एक्स्ट्रा माइल फॉर मी एंड या मैं तब्बू मैम से ज्यादा नहीं मिला और मोस्टली मेट हर लाइक ड्यूरिंग द प्रमोशंस पार्ट ऑफ इट सो बट या शी इज वेरी स्वीट एंड हंबल आई मीन इट वाज वेरी स्वीट लाइक यू नो यू हैव ओनली सीन लाइक आई हैव ओनली सीन हर ऑन स्क्रीन सो ऑफ स्क्रीन देखने में ऐसा मैं भी थोड़ा सा वो था कि नर्वस हां 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 सो इट वाज लाइक नॉर्मली ये वैसे बैठी हैं लाइक हाय हाउ आर यू ऑपोजिट
good in the movie and this and that. Very sweet, yeah. If you talk about your dance career, so आप इतने सोचा कि you'll be doing acting? अब suddenly इतने quiet क्यों हो गए? सुनाई भी नहीं थी आपने क्या हुआ? आपने कभी dance मतलब आपने dance करी? आपने जब भी सोचा था, तभी आपने सोचा था कि आप acting you will be this far? No, not at all. I mean, I never मुझे तो कभी लगा भी था कि मैं acting में घुसूंगा. I mean, it just happened by default हो गया. कैसे it was a dance show that I had auditioned for and D3. So वहाँ से कैसे हो गया and then I found my passion for acting and this happened and films happened after so long but I'm glad it happened. I'm happy that the journey that I've had कुछ अलग थी वो journey and has taught me and trained me to be where I am today and be able to conduct myself in certain manner. I think वो एक journey रही and I have no regrets and I'm so happy. But कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक कभी आपने ये ऐसा कुछ करेगा. I believe जो इस मूवी में दिखाया है आप लोग का जो केमिस्ट्री. मैं कभी नहीं सोचा था कि सही मान जरेकर के साथ कभी काम करने का मौका मिलेगा. आप लोग की जो केमिस्ट्री दिखाई है इस मूवी में, I believe कि आप लोगों को आगे साथ में कोई लॉन्ग टर्म पिक्चर करनी चाहिए जहाँ पे आप एंड तक रहो. लॉन्ग टर्म क्या? लॉन्ग टर्म मूवी एंड तक नहीं है मतलब आप बड़े हो गए हो ना उसमें तो. अच्छा वैसे हाँ. Oh like oh I don't know what to say now. आपको करनी चाहिए. आपका क्वेश्चन क्या था? सॉरी आपको करनी चाहिए. कोई करवाएगा तो कर लेंगे. आप जैसे आप इनको प्लीज इनसे बात कर सकते हो. आप बोले थे कि आपको इनके साथ काम करके बहुत मजा आ रहा है और अच्छा लग रहा है आपको. ही इज बिहाइंड द सीन ही इज दिस काम ओनली और ये यहाँ पे काम है. डूइंग काम टू यू राइट नाउ. Really? Yeah, he's so energetic and he's calm also, but he's very energetic person, which is nice. And how she is? She's also very energetic. आपको लगता है ऑन स्क्रीन के ऐसे बिकॉज वो रोल में आती है ऐसे बट शी इज लाइक पूरा वो उसका पूरा वर्ब बॉम्बेट आउट से कि वो पहले खत्म कर लेती है एंड देन लाइक शी गेट्स लाइक वो 10 मिनट्स का अपना recovery time. Yeah. That is your short time. Get my word back in. Yeah, and then yeah. then but she's very sweet and very kind also I would say. Yeah. So, आप लोग audience तक like आप क्या चाहते हो audience तक ये movie से क्या message है? Believe in love. I think. Yeah. That love be the universe. Yeah. That's the one thing that never dies. Yeah. It has no age. It has no boundary. Yeah. And अगर शिद्दत से प्यार करो तो उसको तो आप लोग ऐसा कैसे होगा? आपको किसी ने अपनों ने धोखा दिया? सही कल तूने लाइन बोली थी. नहीं नहीं वो लाइन जो बोली थी कि only the people that are close to you can hurt you because strangers don't have the authority over you to hurt you. So whenever you've been hurt in life, it's been by somebody you love. वो याद करके नहीं वो मानती है. हाँ मतलब ऐसा लगेगा कि ये याद करके रट के आई ऐसा नहीं है. She believes in that and she had said that so I just wanted her to say that and I also kind of resonate with what she said कि अगर कोई आपको आप जिसे प्यार करते हैं वही उसी का किया हुआ आपको हर्ट होता है. Otherwise I don't think फर्क पड़ता है.